ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे का क्वेश्चन है और बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन क्या है कि पाइप ए बी सी आर अटैच टू एन एम्प्टी क्रिस्टन। एक पाइप है जो कि एक मतलब ऐसा समझे कि एक पाइप है जो कि एक क्रिस्टन या फिर एक ट्यूब्स मतलब एक टंकी से अटैच है, ठीक है, जो कि ए बी सी तीन पाइप अटैच है, ठीक है। ए बी दो पाइप जो है वो एक टंकी को भरने में 4 घंटा और 10 घंटा का समय लेता है। चार घंटा और 10 घंटा का समय लेता है, लेकिन तीसरा जो पाइप है उसको खाली करने में 6 घंटा लगता है। अगर वो टंकी पहले से आधा भरा हुआ है तो आपको ये बताना है कि उस टंकी को और मतलब पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा। यानी कि टंकी आधा भरा हुआ है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो अब बताइए कि आधा टंकी भरने के बाद वो पाइप को जब खोला गया तो उसके बाद कितना और वक्त लगेगा कि वो टंकी पूरा भर जाए। तो देखिए, 4 घंटा मतलब ऐसा समझिए कि ये ए बी और सी है, ये ए है, ये बी है, ये पाइप बी है और ये सी है। तो ए 4 घंटा में भरता है, बी 10 घंटा और सी 6 घंटा। तो दोनों का एलसीएम लें, तीनों का एलसीएम लिए तो 60 लिए। एलसीएम लेना है तो हम 60 ले लिए, तो मतलब मान के चलते हैं कि 60 लीटर टंकी में पानी अटता है। तो 60 लीटर पानी टंकी में अटता है, तो ये 5 में 15 यानी कि ये 1 घंटा में 15 लीटर पानी भरता है, ये 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरता है, और ये 1 घंटा में 10 लीटर पानी को खाली कर देता है। अगर इस तीनों का वर्क डन को जोड़ा जाए तो ये होता है 6 5 मतलब अगर हम 1 घंटा में देखें तो ये 1 घंटा में दोनों मिलाकर 21 लीटर पानी को भर देता है, लेकिन सी जो है अकेले 10 लीटर पानी खाली कर देता है। यानी कि 1 घंटा में एक्चुअल भर कितना रहा, 11। तो टंकी में टोटल कितना भरना है, तो 60, 60 में भर रहा है 11 लीटर, मतलब 1 घंटा में 11 भर रहा है, तो 60/11, 60/11, ठीक है। अब ये हो रहा है 1 घंटा का काम, ये 1 घंटा में पानी भर रहा है 60/11, चूंकि हम मेरा आधा भरा हुआ है तो हाफ उसमें से डिवाइड कर देंगे 1/2, तो यानी कि 30/11 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इजीली बन भी जाएगा और टाइम टेकन मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड लगेगा इसमें, मुश्किल से। थैंक यू।